वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अरे जगदीप, पहले तो तू मेरे को ही मर के मिल ले। बचपन का रोल, फिर उसके बाद जवानी का, ये दादा लक्ष्मी चंद जी के गुरु जी थे और यहाँ पर आप ये फिल्म साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज दादा लक्ष्मी चंद जी के ऊपर बनाई गई मूवी को देखने करनाल के अंदर पहुँच रहे हैं। ये सुनने में आया है कि इस कार्यक्रम के बाद जो आज हुआ है, इसके बाद एक आप बड़े स्तर पर और भी कार्यक्रम बताऊँ, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी होंगे और सारा समाज करनाल में एकत्रित होना चाहता है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो सारे भाई भाई मेरी राम राम। इस टाइम आया हूँ करनाल, करनाल में दादा लक्ष्मी चंद फिल्म देखण। भाई वो पोस्टर आया दादा लक्ष्मी चंद का पोस्टर भाई और फिल्म आज यहाँ पे अब फिल्म देखना आया। हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं और फिलहाल रामविलास शर्मा जी अभी आए हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा क्योंकि अभी आधा घंटा बचा है उनके आने में, तब तक बात कर लेते हैं यहाँ पे रामविलास शर्मा जी से। नमस्कार सर। अरे जगदीप, पहले तो तू मेरे को ही भर के मिल ले। जी जी जी। कितना सुथरा आदमी है तू, हरियाणा के आदमी। मन की बात जी, तू हरियाणवी में जी। आज दादा लक्ष्मी चंद के नाम की पिक्चर है जी, और दादा लक्ष्मी चंद जी ऋषि पुत्र थे जी। एक ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया जी, कोशी गोत्र का आदमी है वो जी। हाँ, वो नैला गांव है हिसार जिले में। मैं आदमपुर के चुनाव में गया, आज ही तो आया है जी आप। हाँ, मैंने तेरे से कहा था ना, मेरी बात याद रख तू। जींद में कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवाने की ड्यूटी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने मेरी लाई थी जी। और मैंने भूपेंद्र हुड्डा को कहा तेरा कांडा हमने काट दिया। काटा कि नहीं काटा? अरिब का आदमपुर में हमने छोरे को जिता दिया। भाई यो मेरा भाई, नमस्कार नमस्कार। अरे सोलंकी के बच्चे तू कहाँ घूम रहे? भाई यहाँ पे अभी नेताजी मेल मिलाप में लगे हुए हैं और दादा लक्ष्मी चंद की और रागिनी महेंद्रगढ़ से यहाँ पे स्पेशल मूवी खातिर, इतनी दूर से सर मूवी खातिर। अरे दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर मूवी हो और रामविलास ना आवे, ये कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक तो भाई अभी और यहाँ पे एकदम बढ़िया भाई, तो यहाँ पे अभी और कुछ हमारे युवा भाई हैं। भाई साहब राम राम। भाई लंबे बोल तो यहाँ पे हमारे आनंद पराशर जी हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जगदीप, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे सर आज? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है। सूर्य कवि हमारी पूरे हरियाणा की धरोहर, और उनके बारे में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि लोग जान पाए, और आज इससे ज़्यादा खुशी का मौका नहीं हो सकता। सभी कलाकारों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस उत्साह के लिए, इस आज के इस त्यौहार के लिए समय दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी धरोहर को हमें बहुत सहेज के रखना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा लम्हा है हमारे लिए, और मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ हमारी सरकार के जो ये समाज के प्रयास से इस विशेष मौका मिला। तो भाई यहाँ पे हमारे रूबल शर्मा जी, भाई साहब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं जी। हमारे रूबल शर्मा जी जो कुरुक्षेत्र डीडी शर्मा के पुत्र। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, आप सभी दर्शकों के, आपके चैनल के, उन सबको मेरी ओर से प्रणाम जी। तो आज जो फिल्म देखना है सुबह के मुख्यमंत्री साहब की और बड़े बड़े दिग्गज नेता जी जी, आज माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हमारे प्रदेश के सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्तागण साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी
आज दादा लक्ष्मी चंद जी के ऊपर बनाई गई मूवी को देखने करनाल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो अभी आपने कुछ फिल्म के बारे में कुछ पता है यहाँ पे भी कैसी मूवी होगी या एक्साइटमेंट है अभी? अभी पूरी एक्साइटमेंट है जी, सुना सुना था, देखेंगे अभी, उसके बाद आपको बताएंगे। जी। अच्छा, अभी राजनीति कुरुक्षेत्र में भी गरमाई हुई है। तो राजनीति तो पूरे हरियाणा की ही गरमाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी पार्टी के नीतियों के कारण, माननीय मनोहर लाल जी के काम के कारण आज आदमपुर का चुनाव भव्या बिश्नोई जी जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे सभी नेता, सभी युवा आए हुए जी। थैंक यू। मैं सर डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल मंगोड संस्था हूँ रोहतक। ओके ओके, तो भाई थोड़ा सा इधर से फोन किया गया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप प्रिंसिपल तो हैं क्या? आपको थोड़ा बहुत पता भी है दादा लक्ष्मी चंद जी, तो अभी कितनी एक्साइटमेंट लग रही है कि हाँ फिल्म सुपर जाएगी? बिल्कुल, फिल्म सुपर जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी चंद जी में जो टैलेंट था उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो अनपढ़ होते हुए भी इतने महान कवि थे, उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि वो एक अवतार के रूप में थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी, जो बातें उस समय असंभव लगती थी उस टाइम में, और उन्होंने उस टाइम कही थी, आज वो सभी बातें यथार्थ में सत्य पर उतर रही हैं। तो वास्तव में उनमें कोई देवीय शक्ति थी और वो सरस्वती के अवतार लगते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देवीय शक्ति थी, अवतार लगते थे। आ जाओ, मैं थोड़ा सा फिल्म के बारे में बता भी दूं आपको। भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम जी। भाई साहब कैसे आप? जी बहुत बढ़िया। मूवी को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह। कल इनकी पूरी टीम फरीदाबाद थी प्रमोशन के लिए जी। हमने पूरी टीम को सम्मानित किया, इसपाल जी भी जी जी। हितेश भी जो कलाकार है जी। और बाकी बड़ी खुशी की बात है, एक अतीत को वर्तमान में लाना पूरे ब्राह्मण समाज और संस्कृति के लिए बड़े गौरव की बात है। दादा लक्ष्मी चंद को लोग भूल चुके थे, उनकी जो कला थी, सांग था, और आज पुरजोर सभी के सहयोग से माननीय सरकार भी इसमें शामिल है, आज स्वयं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो पूरी ब्राह्मण सभा हमारी पूरी एक्साइटमेंट। हाँ हाँ, पूरे उत्साह के। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। सर नमस्कार प्रणाम। ये पकड़। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अभी मैं बढ़िया हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा दोस्त, थोड़ा रुक जाओ। चलो, मेरे आधे लोग बाहर खड़े हैं। हाँ जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दादा लक्ष्मी चंद जी की फिल्म। इसमें बचपन का रोल, फिर उसके बाद जवानी का, ये दादा लक्ष्मी चंद जी के गुरु जी थे, और यहाँ पर आप ये फिल्म देख रहे हैं। तो ज़्यादा बताऊंगा तो फिर फिल्म में मज़ा नहीं आएगा भाई। इस टाइम हमारे साथ सुनील सर हैं और HSIDC के समन्वय अधिकारी। सर प्रणाम। नमस्कार जगदीप जी, ठीक है? एकदम बढ़िया सर। सर जो आज आपने कार्यक्रम करवा रखा है दादा लक्ष्मी चंद जी का, एक प्रीमियर शो हमने जो देखा खट्टर साहब आपने बनाया, जी जी जी, क्या कुछ इसका उद्देश्य? ये उद्देश्य बड़ा साफ था, लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ना। आप जगदीप जी घूमने फिरने वाले व्यक्ति हो, आप हर रोज देखते हो कि हरियाणवी जो संस्कृति थी, जो फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने का। आप देखो पंजाबी फिल्में काफ़ी कुछ चलती हैं, हरियाणवी फिल्मों का कल्चर चंद्रावल के बाद दो तीन फिल्में और बनी, उसके बाद वो कल्चर खत्म होता गया, लुप्त सा हो गया। उसको पुनर्जीवित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बीड़ा उठाया। आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा था कि पंचकूला के अंदर हम फिल्म सिटी बनाएंगे। एक हमने हमारा फिल्म प्रमोशन बोर्ड भी बनाया है, जिसके अध्यक्ष श्री सतीश कौशिक जी हैं, वो भी समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री देखता हूँ, ये भी एक किस्म की इंडस्ट्री है। इन फिल्म वालों की कोशिश रहती है कि जैसे भारत सरकार ने फिल्म वालों को एक इंडस्ट्री घोषित कर दिया, तो हरियाणा भी जल्दी ही आप ऐसा सुनेंगे कि हम इसको फिल्म को इंडस्ट्री घोषित कर देंगे। एक फिल्म सिटी अगर पंचकुला बनती है तो उसे सब चीजें आपको एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ये सुनने में आया है कि इस कार्यक्रम के बाद जो आज हुआ है, इसके बाद एक आप बड़े स्तर पर और भी कार्यक्रम करने की तैयारी? हाँ बिल्कुल तैयारी है। एक सामाजिक दृष्टि से एक करनाल के लोगों की इच्छा थी, हमने पूरी टीम खड़ी थी, सुरेंद्र पड़ोता जी हैं, भजन लाल जी हैं, देव परासर जी भिवानी से आए हैं, राजेश जी हैं, ये मित्र हैं, आनंद जी हैं पीछे, तो एक सबका सौभाग्य था कि एक भगवान परशुराम के ऊपर एक यहाँ एक कार्यक्रम किया जाए, सारे समाज की इच्छा थी। तो एक समाज ने बीड़ा उठाया है कि एक यहाँ अच्छा व्यापक रूप से
जिसकी संख्या तो आज मैं आपको क्या बताऊं, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी होंगे और सारा समाज करनाल में एकत्रित होना चाहता है। एक सामाजिक कार्यक्रम होगा जिसके अंदर समाज चाहता है कि सभी वर्गों, सभी राजनीतिक दलों, सब नेताओं को बुलाया जाए। एक सामाजिक कार्यक्रम होगा, भगवान परशुराम महाकुंभ के नाम से कार्यक्रम शुरुआत करने की कोशिश की है। अभी तारीख फाइनल होनी है। स्थानीय सांसद श्री संजय भाटिया जी भी उसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने भी, सुरेंद्र बड़ौता जी ने भी, सब लोगों ने, हमारे कुलदीप जी हैं, इन सब ने दौरे शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी ही कार्यक्रम की सारी रूपरेखा के साथ एक हफ्ते में आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई देखेंगे, ये कट्टरदान जी की ट्रेलर था और आगे आने वाला समय जी, और आने वाला समय में देखेंगे भाई क्यों करके इलेक्शन, यो इलेक्शन को मैं, ये जो महाकुंभ है चुगर दे इलेक्शन, इलेक्शन निकास रिजल्ट आया ना इसलिए चुगर दे इलेक्शन। राम राम जी। राम राम जी। अरे क्या कुछ कहना चाहेगा, फिल्म बहुत बढ़िया है ना, हमारे हरियाणा संस्कृति को है ना बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी है ना जो संस्कृति थी उसको है ना बढ़ावा दिया, और हम इसके लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं। और कुछ दिनों में सर्व समाज के सहयोग से ब्राह्मण महाकुंभ होने का, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री। तो भाई देखेंगे कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।